Hey guys, it's Neha. Welcome back to my channel. तो friends, आज मैं आपके लिए बहुत ही गजब की वीडियो लेकर आई हूँ. तो आज की वीडियो में हम सुपर डुपर ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक्रेलिक पेंट के बहुत सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सुंदर बनाया जाए, क्यों ना इसे ब्यूटीफुल क्रिएट किया जाए. तो यार, मैंने उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएट करने की सोची है. तो आप देख सकते हो, ये मेरे पास फेविस्टाइल का डब्बा है जो कि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना यार इससे कुछ रिक्रिएट किया जाए, तो इससे कुछ नया क्रिएट किया जाए. तो आज हम इससे ज्वेलरी बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं. तो मुझे नहीं पता कि यार मैं इससे ज्वेलरी बॉक्स कैसे क्रिएट करूँगी, लेकिन मैंने जो मुद्दा उठाया है एंड मैं उस मुद्दे को जरूर पूरा करती हूँ, आपको पता ही है. तो आज मैं ये ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाली हूँ. तो आज हम इस एक्रिलिक पेंट के डब्बे को क्रिएट करने वाले हैं, मतलब रिक्रिएट करने वाले हैं. तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार मैं कैसे इस एक्रेलिक पेंट के डब्बे को कैसे रिक्रिएट करूँगी एंड कैसे इसको मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स बनाऊँगी. तो फ्रेंड्स, अगर करना है तो करना ही है यार. तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लव यू गाइज. अगर नहीं किया है तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो. एंड आप मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दिया करो. तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो आज मैं एक्रेलिक पेंट के डब्बे को कलर करके अपना ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाली हूँ. तो यार, हमारे घर में ऐसे कई सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं, कई चीज़ों के बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं. जैसे कि कोई डब्बा पुराना हो जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उसको फेंक देते हैं. आज मैं उसको अपना ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाली हूँ. तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा, टाइनी सा ज्वेलरी बॉक्स होगा, जिसे आप पर्स में कैरी कर सकते हो इजली. मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार आज मैं कैसे क्रिएट करूँगी. एंड अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के आइडियाज़ आते हैं तो यार ज़रूर बताया करो एंड ज़रूर क्रिएट किया करो. यार नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहना चाहिए, नया क्रिएट करने से ही हमें कुछ नया सीखने को मिलता है. तो यार एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए एंड एक्सपेरिमेंट करने से हम कुछ नया सीखते हैं. तो आप भी इस तरह की नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहा करो एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडियाज़ को शेयर भी करते रहा करो. तो यार मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. तो अगर आपके दिमाग में इस तरह के कोई आइडियाज़ आते हैं तो यार मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स मूव टू द वीडियो. तो चलो हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. तो देखते हैं कि आज हम कैसे ज्वेलरी बॉक्स बनाएंगे एंड आज हम कैसे इस एक्रेलिक पेंट के डब्बे को अपना नया ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाले हैं. हे गाइस, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरे पास एक्रेलिक पेंट का डब्बा रखा हुआ था फेविस्टाइल का. तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसको रिक्रिएट किया जाए, तो मैं आज इसको सुंदर बनाने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम यार जैसो अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर. तो जैसो अप्लाई करने के बाद ये पूरा वाइट हो जाएगा एंड आफ्टर डैट बारी आती है यार वाइट पेंट की. तो जैसो अप्लाई करने के बाद फटाफट हम इस पर वाइट पेंट भी अप्लाई कर देंगे एंड वाइट पेंट अप्लाई करने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. एंड इसके बाद यार हम कुछ इसमें डिफरेंट करने वाले हैं. तो मैं इसको अपनी ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाली हूँ. जैसे हम कहीं भी स्मॉल ट्रिप पर जाते हैं तो यार हमें काफ़ी बड़ा एंड बल्की बॉक्स रखने में प्रॉब्लम आती है एंड ये छोटा सा डब्बा हम कहीं भी पर्स में रख सकते हैं एंड कहीं भी आप इसको आसानी से रख सकते हो. यार इट्स अ नाइस आइडिया, मैंने पेंट के डब्बे को ज्वेलरी बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ करूँगी, जैसे कि मैंने इस पर लिपस्टिक, नेल पॉलिश, परफ्यूम एंड इस तरह की कुछ चीज़ें बना दी हैं, ड्रॉ कर दी हैं. एंड फिर उसके बाद हम इसको पिंक कलर से पेंट करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली पिंक कलर फॉर दिस. तो मैं इसको पिंक कलर से पेंट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा यार फन लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार मैं अपनी ज्वेलरी इसमें रखने वाली हूँ. तो फाइनली बारी आती है इसमें डिटेलिंग करने की. अब हम इसमें डिटेलिंग करेंगे. यार डिटेलिंग के बिना तो यार कुछ भी अच्छा नहीं लगता. तो आज मैं इसको सुंदर सुंदर डिटेलिंग करने के बाद बहुत ही सुंदर सुंदर सा बना दूंगी एंड फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि यार मैं इसमें क्या क्या ज्वेलरी रखूँगी. ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, क्या इसमें कुछ आ भी पाएगा? लेकिन आ जाएगा यार, लेट्स ट्राई. तो फाइनली ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स बनके रेडी हो चुका है. तो अब हम ट्राई करते हैं कि तो क्या हम अपनी ज्वेलरी इसमें रख सकते हैं. तो मैं इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख सकती हूँ एंड ये आसानी से कहीं भी पर्स में एंड कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हो.
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बना के। एंड आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई और डब्बा हो तो आप उस पर भी क्रिएट कर सकते हो, तो इट्स अ नाइस आइडिया। तो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर डन विद आवर वर्क। तो आपने देखा कि मैंने कैसे ज्वेलरी बॉक्स बना दिया है एक्रेलिक पेंट के डब्बे को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा एक्रेलिक पेंट का डब्बा था जो कि ज्वेलरी बॉक्स बन चुका है। यार ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप एक्रेलिक पेंट के डब्बे को इधर उधर लेके जाओगे तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन इस डब्बे को लेके जाओगे तो फिर भी अच्छा लगेगा। तो यार मैंने इसे बहुत ज़्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुल क्यूट टैनी सा बना दिया है। एंड इसमें मैं चाहूँ तो अपने ईयर रिंग्स, अपनी वन लिपस्टिक एंड बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ। एंड इसको मैं चाहूँ तो ईयर रिंग बॉक्स भी बना सकती हूँ। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया एंड ऑसम आइडिया है। एंड आप भी इसे क्रिएट कर सकते हो घर पे, इट्स अ नाइस आइडिया टू क्रिएट। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के आइडियाज़ आते हैं तो यार ज़रूर बताना। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड बहुत फ़न भी लगता है इसे बना के। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो एंड कैसा लगा आज का प्रोसेस एंड कैसी लगी आज की वीडियो एंड कैसा लगा आज का मेरा ज्वेलरी बॉक्स बनाने का तरीका, यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको। एंड ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स कैसा लगा, ये मेरा छोटू सा ज्वेलरी बॉक्स कैसा लगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है ये। एंड मैं इसमें चाहूँ तो अपनी ईयर रिंग्स भी रख सकती हूँ, अपने ईयर रिंग्स के कलेक्शन कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही गजब का बॉक्स है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के आइडियाज़ आते हैं तो ज़रूर शेयर किया करो। आप चाहो तो किसी दूसरे बॉक्स से भी इसे बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्रेलिक पेंट के डब्बे से ही बनाओ। आपके घर में बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते होंगे तो आप उससे भी अपनी ज्वेलरी बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गजब का आइडिया है एंड ऑसम आइडिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ सुपर डुपर करेंगे यार, फिर कुछ धमाल करने वाले हैं। तो यार आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो आज के लिए बाय बाय।